हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल ओनली टेक सपोर्ट। मेरे पास है रियलमी का लेटेस्ट जो है रियलमी 7। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं रियलमी 7 के अंदर आप अपने एप्लीकेशन को कैसे लॉक करें। कई बार आपको सिक्योरिटी रीजन का रहा है, अपने एप्लीकेशन को लॉक करना बहुत जरूरी रहता है जिससे आपका डाटा सेफ रहे, कोई लीक ना कर सके। और आपके फ़ोन में आपकी बहुत सारे फोटोज़ एंड वीडियो होते हैं जो भी आपको किसी को दिखाने होते हैं, किसी को नहीं। और आजकल बहुत सारे गेम भी ऐसे होते हैं जो आपको छुपा के रखने पड़ते हैं, कोई आपके फ़ोन में डायरेक्ट लेके यूज ना कर सके। तो आज की वीडियो में बस यही बताने वाले हैं, वीडियो में सिंपल स्टेप रहने वाले हैं और वीडियो के एंड तक जरूर देखना, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए गाइस वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने अब तक हमारा चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल कर लें सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारा अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो आपको अपने एप्लीकेशन लॉक करने के लिए सबसे पहले चलना होता है सेटिंग में। यहाँ से हम जाएंगे सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलता है प्राइवेसी, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप प्राइवेसी पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलता है ऐप लॉक, ऐप लॉक पर क्लिक कर लेना। आपने जो अपने एप्लीकेशन पर ऐप लॉक डाला होगा सिंपली वो ऐप डाल देना है। यहाँ से अपना पैटर्न, सिंपली हमने यहाँ से अपना पैटर्न डाल दिया। पैटर्न डालने के बाद यहाँ से आपकी एप्लीकेशन की लिस्ट खुल गई है जिन्हें आप लॉक करना चाहते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं जो भी आप लॉक करना चाहते हो यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, अपना एक फाइल ले लेते हैं, इसे यहाँ से कर दिया हमने इनेबल। हमारे फ़ोन पे इस पर लॉक लग चुका है। यहाँ से हम बैक चलते हैं और एक हम ले लेते हैं अपना फ्लिपकार्ट, इसे भी यहाँ से इनेबल कर दिया। और हम अपना एक ले लेते हैं गैलरी जिसमें हमारे फ़ोटो रहते हैं बहुत सारे, इस पर क्लिक किया और ऐसा कर दिया हमने इनेबल। यहाँ से इनेबल करने के बाद हमने इन पर तीनों एप्लीकेशन कर दिए इनेबल, इन पर लॉक लग चुका है। तो चलिए मैं आपको चेक करा देता हूँ इन पर लॉक लगा या नहीं लगा। यहाँ से हम आ जाते हैं बैक। जैसे आप देख पा रहे हैं हमारी गैलरी, इस पर आपको देख सकते हैं हमारा पैटर्न मांग रहा है। सिंपली इसे वेरीफाई करने के लिए इस पर क्लिक करें और यहाँ से अपना पैटर्न डालेंगे और तभी आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ से बैक आ जाएंगे और एक हमारा क्या आता है यहाँ से फ्लिपकार्ट, एक हमारा फ्लिपकार्ट भी क्या आता है, इस पर भी आ गए और यहाँ से पैटर्न डालेंगे इसे तभी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई, हमने अपनी एप्लीकेशन को लॉक तो कर दिया। अब जरूरत पड़ती है इन फ्यूचर में कभी अनलॉक करना है इन्हें, हमें कभी इन्हें जरूरत पड़ती है कि इन पर लॉक लगाया हमने वो लॉक हटाना है, इन्हें अनलॉक करना है वो कैसे करें, तो उसके लिए हमें चलना होता है सेटिंग में। सिंपली हम आ जाएंगे सेटिंग, सेटिंग आने के बाद आप आ जाएंगे प्राइवेसी में। प्राइवेसी में आने के बाद आप आ जाएंगे ऐप लॉक पर। ऐप लॉक पर आने के बाद आपने अपना पैटर्न डाल देना है। पैटर्न डालने के बाद यहाँ से आपकी लिस्ट खुल जाती है। उसके बाद यहाँ आपको ऑप्शन देखना होगा सो लॉग्ड ओनली, सिंपली हम इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ से आपके एप्लीकेशन की सारी लिस्ट खुल जाती है जो आपने लॉक कर रखे हैं। इस पर क्लिक करें, यहाँ से कर देंगे ऑफ़। यहाँ से एक एक करके ऐसे सब ऑफ कर देंगे। यहाँ से अब आपके किसी भी एप्लीकेशन पर लॉक नहीं है, यहाँ से सारे एप्लीकेशन पर से लॉक हट चुका है। तो चलिए यहाँ से हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि एक गैलरी था, आप देख सकते हैं गैलरी हमारा डायरेक्ट एक्सेस हो रहा है, और हमारा एक फ्लिपकार्ट था, फ्लिपकार्ट भी हमारा डायरेक्ट एक्सेस होता है। इस प्रकार से आप अपने फ़ोन के अंदर अपने एप्लीकेशन पर लॉक लगा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।